अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम ये चिकन, बोनलेस चिकन हमने इधर लिया है, बहुत बढ़िया सा आज हम टेस्टी सा नाश्ता बनाने वाले हैं। चिकन बटरफ्लाई, वो पटेटो और चिकन से बनता है। इसके ये देख लीजिए, ये हमने बोनलेस चिकन ऐसे पीस में ले लिया है 500 ग्राम। और इधर सारा ये देखिए मसाला है। अब एक एक मसाला मैं डालती जाऊँगी और फिर आपको बताती जाऊँगी। अभी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हमने जो चिकन लिया था बोनलेस से छोटे छोटे टुकड़े में हमने ये पीस कर लिया है, ऐसे ही ले लेना है आपको। अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच टिक्का मसाला। नमक रखिए अपने स्वाद के हिसाब से, हमने 1/2 चम्मच रखा है। 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच दही, पानी नहीं रहना चाहिए दही में, 1/2 नींबू, इसको निचोड़ देना है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर चम्मच, और ये रहा 2 चम्मच, 1/2 चम्मच सोया सॉस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे फूड कलर, कलर है इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे कलर थोड़ा सा चेंज करने के लिए। अब ये देखिए अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम रेस्ट करने के लिए 1/2 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अब ये देख लीजिए, 2 हमने इधर आलू लिया है ऐसे साइज़ में। अब ये देखिए, हमने ये 2 आलू जो लिया था ऊपर का छिलका हमने हटा दिया है। अब इसको कट कर लेते हैं स्लाइस में, देखिए ऐसे ही लेना है आलू आपको। ऐसे ही स्लाइस आपको बना लेना है। अभी देखिए आलू हमने अच्छे से कट कर लिया है ऐसे स्लाइस में, लंबे में कट करना है, ऐसे बेड़े में नहीं, ऐसे लंबे में कट करके ऐसे फोल्ड होता रहे, ये देखिए ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा मोटा नहीं। अभी आलू हमारा ये कट हो गया है। अब इधर हम बनाते हैं, चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, 1 चम्मच हो गया, और ये 2 चम्मच, इसका अच्छे से घोल बना लेते हैं, गाढ़ा सा इसका घोल बना लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको घोल बना लेंगे। अब ये देखिए हमारा ये जो है घोल बन गया है, बहुत गाढ़ा सा, और इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, ऐसे ही आपको बना लेना है। अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1/2 घंटे हमारे ये चिकन को हो गया है रेस्ट पे। अभी एक हम ऐसा स्लाइस लेंगे, ये स्लाइस लिया हमने, अब इसको हम पानी में ऐसा डिप कर लेंगे कॉर्नफ्लोर वाले पानी में। एक अपना ये पीस लेंगे, ये देखिए ऐसा एक पिक लेना है, और इसको ये देखिए ऐसे आपको बना लेना है। आलू के चिप्स को पहले पानी में डिप करेंगे अच्छे से अपने कॉर्नफ्लोर वाले पानी में, और फिर उसके बाद एक स्लाइस रखेंगे और इसको हल्का सा फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और एक पिक लेके इसको अंदर से इन कर देंगे। ये देखिए ऐसे ही सारा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखिए हमने इधर सारा बना लिया है ऐसे ही, जैसे हम आपको बताए हैं सारा बन गया हमारा, और तेल भी हमारा इधर गर्म हो गया है। अभी हमने आँच को स्लो कर दिया है। अभी तेल हमारा गर्म हो गया है, एक एक पीस हम इसको धीरे धीरे ऐड कर लेंगे।
इसको डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई स्लो आंच पे करना है आपको, क्योंकि चिकन पकने में टाइम लगता है। इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे 3 से 4 मिनट। अब इसको एक एक करके ऐसे पलट देना है। अभी ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब ये देखिए हमारा ये चिकन बटरफ्लाई हमारा बनके तैयार हो गया है। बहुत मज़े का और जल्दी बनता है। ये देखिए कितना टेस्टी और यम्मी सा दिख रहा है। अगर रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए कितना मज़े का और अच्छे से पक गया है चिकन भी और आलू भी, खूब क्रिस्पी और अच्छे से बन गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। ये देखिए रेसिपी हमारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक अच्छी से नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।